सतनाम वाहिगुरु साहिब जी ने गुरु गरीब निवाज जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जनो आपे हम रुकते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे धन धन गुरु नानक जन के रा जित मेरे चूके सब सोग संतापे तू सुल्तान कहाँ हो मिया तेरी कवन बड़ाई जो तू देही सो कहाँ सुअमी मैं मूर्ख कह ना जाई धन वाहिगुरु साहिब जीओ असुल प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिला वह माई संत सहाई प्रेम के हों तिन कै लाका पाई विण प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाए जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रही आगाई आप त्याग विनती करें लेहो प्रभु लड़नाई जो हर तंत मिलाइया श्री बिछड़ कतें ना जाई प्रभ बिन दूजा को नहीं नानक हर शरण आई असो सुखी बसंदिया जिना मया हर राई असो सुखी बसंदिया जिना मया हर राई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दुनिया में दो तरह के जीव अक्सर आप देख रहे हैं उन्होंने जो एक मनुख है जिसकी कोई जिम्मेवारी है जिससे सिर पे एक काम लाया गया है भाई असी रब न मिलना है परमेश्वर को मिलना है ये साड़ी जिंदगी का कारण है। ये सानू उस तरह का जीवन गुजारना है जिमें मेरे सतगुरु आखते हैं। आम करके मनुख का एक सुभा है कि समय को बतीत करता समय को सफल नहीं करता। गुरु साहब जी ने कृपा की समय को सफल करने की जात सिखाई है। समय सफल किवें करना है समय ने अपनी टोल टुरदियां बीत तो जाना ही है समय ने रुकना नहीं समय ने बीत तो जाना ही है पर जो समय सफल करना है फिर गुरु को पूछना पड़ेगा मालिक जी समय सफल कैसे हो सकता है। दूजी गल सच्चे पातशाह ने एडी वड्डी कृपा की हुई है सानू बड़िया सौखियां आम जीवन दियां उदाहरण दित्तियां आम जीवन दी जिहड़ियां साडे अखां अगे नित दे हरे वरतदियां ने वह उदाहरण सानू बख्शिश कीतियां ने। जिवें किसी भी घर परिवार के विच जदों कोई रिश्ता प्यार का होवे उदों दुनिया की हर मुश्किल भी मुश्किल नहीं रह जाती। एक पति पत्नी के रिश्ते भी लैके सतगुरु जी ने गल की है जे पति नूं ये मन में भावना हो मैनू कोई उड़ीकदा
तो पत्नी के मन में भावना हो कि मैं अपने पति को उड़ीकना है तो सच करके जाने हो। एक अजिहा रिश्ता है जिसे दुनिया की हर मुश्किल का हल लग जाता है। तो हजूर सच्चे पातशाह ने इस चीज को उदाहरण बना के सानू अस्सू के महीने में मालक दीयां खुशियां लैण की जाच सिखाई है, सानू विचार सिखाई है असीं मालक दीयां खुशियां किवें लै सकने, समां किवें सफल कर सकने, जिंदगी दे मनोरथ नूं किवें प्राप्त कर सकने। पुछो अज आपां अस्सू दे महीने की विचार संगी करनी है। असुन प्रेम उमाड़ा क्यों मिली है हर जाए। प्रेम की दुनिया में एक बहुत वड्डी खूबी है, ये चाहती मेरा प्यारा मेरिया अखां दे सामने आवे। भाई वीर सिंह की एक कविता है, वह मैं पहला तुहाडे नाल सांझी करना। भाई साहब आखते कहिंदे एक बड़ी सियाणी चंगी इस्तरी ने एक पत्थर नाल प्यार पा लिया। कह लगे हुण पत्थर ते पत्थर है ना, वह मेरी गल पुछदा है ते ना अपनी दसदा है, ना वह कदे मेरे नाल अपना दर्द सांझा करदा है ते ना मेरा कदे दर्द पुछदा है। वो जी सांझी कोई पर कहते फिर भी वह प्यारा एडा लगता है। मेरी इको ही हूक है दिल की, मेरी इको ही तमन्ना है मेरे दिल की, जे और कुछ भी नहीं तो कम से कम मेरिया अखा के सामने तो वसदा रहे। भाई वीर सिंह के बोल ने बड़े प्यारे, पत्थर नाल नेहोला बैठी ना हसे ना बोले, सोहना लगे मन नू मोहे कुंडी जदों ना खुले। कह लगे मिलिया छड़िया छड़िया जांदा नहीं, मिलिया निग ना कोई छड़न भी जी नहीं करदा, छड़िया छड़िया जांदा नहीं मिलिया निग ना कोई, हच्छा जिवें रजा है तेरी अखियों को ना ओले। कहिंदे इन्ना ते कम करदे भी मेरिया अखा सामने बसता रहे। असुन प्रेम उमाड़ा क्यों मिली है हर जाए। जिन्हां नूं रब नाल प्यार बन गया, स्नेह बन गया, अंदरों एक होक एक दर्द एक अरदास एक अरदोई पैदा होती है, मेरे मन में प्रेम उमंड पिया है, मैनू दसो मैनू किवें मेरे प्यारे का मिलाप हो सकता है। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिला पै मारे। जिनी बारी भी एक शब्द आता है मैं उन्नी बारी संतान सांझ पाउंदा है। प्यास शब्द बड़ा प्यारा है। नंबर एक, ऐसा कोई भी नहीं भी जेड़े मनुख नूं कदे प्यास का एहसास ना हो गया होवे। आपां सारे जानते हैं प्यासे मनुख की दशा की होंगी, जिन्हों पानी की प्यास लगी हो बहुत ज़्यादा उनकी दशा की होंगी है। आप सारियां प्यास लगती है तो ये एहसास बड़ा सौखा जिहा आप समझ सकने। जिन्हों प्यास लगी हो कभी मैं पानी पिला दे, पानी पिला दो, तो आप कही गुआढ़िया ने गड्डी ली बहुत वधिया नवी, वो कहीं माफ करना भी गुआढ़िया की गड्डी बाद गल कर लेंगे पहले पानी पिला दे। उन्होंने कही है भी फलाने स्टोर से सेल लगी हुई है बहुत वधिया बड़ा डिस्काउंट है चलिए, वो कहना माफ करना मैं पानी की प्यास है तुम पानी पिलाओ। उन्होंने कही है भी फलानी थान से घर बड़े सस्ते लगे ने आप देख के आइए, वो बंदा कलप जाएगा भाई मैं की गल कहना तुम की गल करी जाते हो, मैं तुहानू वार वार कहना भी मैनू पानी पिलाओ पानी पिलाओ पानी पिलाओ मैनू प्यास है। वो दूजी कोई भी गल सुन लो तैयार नहीं होता। सच करके जाने हो जिन्हों रब दे नाम की दर्शना की प्यास लागी ना उन्हों तुसी कोई गल दुनिया की करके सुनाओ वह नहीं समझदा। वो कहना नहीं मैनू तो मेरा प्यारा मिला दे बस मैनू कुछ नहीं चाहिए।
मैनू तो मेरा प्यारा मिला दियो, मैनू कुछ नहीं चाहिए। असी उन्ना चिर ही गल्लां करने हैं प्यार वाले हो जिन्हां च सानू प्यास नहीं लगी। जे दर्शनां की प्यास लग गई फिर तो मालक भी कवे भी तैनू दस की चाहिए, तैनू दस की चाहिए, घर चाहिए, घर परिवार चाहिए, सुख चाहिए। असी बार बार बेनती करांगे, नहीं सतगुरु मैनू दर्शन चाहिए ने, मैनू प्यास दर्शन की है। मन तन प्यास दर्शन घनी कोई आन मिलावे माए। जवाब मिलिया, संत सहाई प्रेम के हों तिनकै लागां पाए। रब दे प्यारे गुरमुख जनम जिन्हां की बिरती संतां वर्गी है, जिन्हां की बिरती गुरमुखां वर्गी है, जिन्हां की बिरती महात्मा वर्गी है, वह मेरे ते तरस कर सकते ने। वह रब दे प्यार विच डुब्बे ने, उन्हां नूं पता है प्यार विचोगण दा हाल की हुंदा है। हों तिनकै लागां पाए, मैं उन्हां दे चरणां विच जुड़ के, मैं उन्हां दे दर ते जुड़ के अरदास करनी, मैनूं कोई मिला देवे मेरे प्यारे नाल। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है, दूजी नाहीं जाई। इत्थे भी दो गल्लां बड़ियां ध्यान मंगदियां ने। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है, तुसीं कदे देखियो सानू एक मन विच विचार हुंदी भी इस दे नाल मैनू सुख मिलेगा। कोई चीज़ ले लईए आपां नूं इउं लगदा है भी इहदे नाल मैनू सुख मिलेगा। मैं फिर उहदी उदाहरण देनी चाहुंदा, मतलब सानू लगदा है भी मैं गड्डी ले लवां वड्डी ते मैनू सुख मिलेगा, उहदे राहीं सुख मिलेगा। मैं घर लैगा, मैनू इहदे राहीं सुख मिलेगा। मेरे कोल धन होवे, धन राहीं मैनू सुख मिलेगा। मेरे कोल औलाद होवे, औलाद राहीं मैनू सुख मिलेगा। सानू इस तरह लगदा है, पर साहब कहिंदे बिन प्रभ क्यों सुख पाई है। प्रभु तो बिना, मालक तो बिना, परमेश्वर तो बिना सानू सुख किवें मिल सकता है। उहदे दर दा विछोड़ा साडी झोली विच दुख ते पा दिंदा है, पर सुख ते प्यारे उदों ही मिलना है जदों मालक मिल जाए। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है। दूजी गल है, दूजी नाहीं जाए। फिर असी कई बारी कोशिश करते हैं भी जे आह चीज़ मैनू नहीं मिलती तो ये चीज़ जान के मैं आ लै लवां, मैं तो सुख लेना है ना। सब कहते एक तो तेरे बिना सुख नहीं मिलता, दूजी गल तेरा बदलाव कोई नहीं। बिन प्रभ क्यों सुख पाई है, दूजी नाहीं जाए। जाए का मतलब होंगे थां, तेरे तो बिना और कोई थां भी अजि नहीं भी तेनू छड के तेरे वाला मिलन वाला सुख मैं किसी होर चीज़ चो ले जा, ये भी नहीं हो सकता। तेरे वाला सुख केवल तेरे को ही मिलना है। सिमरन वाला सुख, बंदगी वाला सुख, रब के नाम वाला सुख, वो नाम वाला सुख नाम विचों ही मिलना है। नाम वाला सुख धन विचों नहीं मिलना, नाम वाला सुख विकारा चो नहीं मिलना। भावें जोर ला ली, जिने चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाहे। जिन्होंने प्रेम रस न चखिया है, जिन्होंने प्रेम रस न माणिया, वह रज भी गए अते तृप्त भी हो गए। दो शब्द ने, रज जाना ते तृप्त होना। कई बार रजे होंगे पर साड़ी अख विच भुख होंदी है, जदों कदे तृप्त हो जाइए फिर भावें कुछ भी हो बे। रब दे प्यारे अंदरों रज गए, यही कारण है उन्हां दे सामने किसी की चौपड़ी देख के उन्हां दा मन नहीं लिल जाता। उन्हां दा मन तां फरीदा रोटी मेरी काटकी, लावण मेरी भुख, जिन्हां खाती चौपड़ी घने सहन गए दुख। मैं सिर्फ इतनी बेनती करा,
अजोके समय के अंदर सब तो वड्डी मनुख की जिहड़ी बदकिस्मती है वह भुख है। सब तो वड्डी पैसे वालों भुख है, तृष्णा की भुख है, विकारों की भुख है, निंदा की भुख है। अज का अशांत होया मनुख उसकी अशांति का कारण ही भुख है। जिहड़ा तृप्त हो गया उसके जीवन में भटकना नहीं। आप त्याग बेनती करें लेहो प्रभु लड़दा है। एहो जी तृप्ति एहो जा सुख मैनू सदीवी बनिया रह जाए। इसलिए साईं जी मेरी अरदास है, मेरी बेनती है तुहाडे चरणां विच आप त्याग अपना हंकार छड्ड के। अपना हंकार का मतलब तू मेरी गल ना सुन, जो योग है उन्हों सुन। आप त्याग बेनती करें लेहो प्रभु लड़लाए। मालक जी मैनू अपने लड़न ला लै, अपने चरणों में जोड़ लै, क्योंकि मैनू पता है जो हर कंत मिलाइया से बिछड़ कतै ना जाए। जिन्हों कंत ने मिला लिया आप मिला लिया, जिन्हों परमेश्वर ने आप अपने चरणों में जोड़ लिया उन्हों का विछोड़ा नहीं होता, क्योंकि तू विछोड़े को मिटाने वाला है। प्रभु बिन दूजा को नहीं नानक हर शरण आए। मैनू तेरे तो बिना कोई दूजा आसरा नहीं। वाहिगुरु जी एक कृपा करो, मैं तुहाडी शरण विच आया है ते मैनू शरण विच आए नू लाज रख लो, मैनू अपने चरणों नाल जोड़ लो, तुहाडे तो बिना मेरा कोई आसरा नहीं। इस गल नू मन लेना, इस गल को प्रमाण कर लेना, यह बहुत वड्डी गल है। असू सुखी बसंगियां जिन्हां मया हर राय, जिन्हां दे उत्ते मया का अर्थ हुंदा कृपा, जिन्हां दे उत्ते रब की कृपा है परमेश्वर की रहमत हो जाती है। असू के महीने विच उन्हां नू सदीवी सुख प्राप्त हुंदा है। असू के महीने पाप जिंदगी विच उन्हां नू सदीवी सुख प्राप्त हो जाता है जेडे मालक के चरणों में जुड़ जाते हैं। आओ प्यारे हो, अज का महीना सानू तीन गल्लां दसदा है। पहली गल यह दसदा है कि की साडे मन में प्रभु के मिलाप का प्यार है, उसकी प्यास है। दूजी गल, रब तो बिना होर कोई दूजा नहीं। तीजी गल, जिहड़ा रब का सुख है जदों वह तो बिना कोई नहीं तो उहदे वर्गा सुख भी होर कोई नहीं दे सकता। उहदे वर्गा सुख केवल रब ही दे सकता है। उहदे चरणों में जुड़ जाइए फिर साडा जीवन ए लोक सुखी है परलोक सुहेले। नानक हर प्रभापै मेले, भुल्लां दी खिमा प्यार सत्कार नाल आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। महाविद्वान सत्कारयोग ज्ञानी अमरीक सिंह जी चंडीगढ़ वाले, जिन्हां पासों आप जी ने बड़े प्यार सत्कार नाल जो अज